केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी कितनी बार आए। वे यहां भाजपा प्रत्याशी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में चुनावी सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार की सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो सही है, रायबरेली वालों ने वर्षों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, लेकिन यहां से चुनकर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है? चलो, सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, लेकिन राहुल बाबा या प्रियंका बहन कितनी बार यहाँ आई? अमित शाह ने सवाल किया कि एनटीपीसी प्लांट में ब्लायर फटने से कई लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ गांधी परिवार आया? बरछावा ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, यहाँ गांधी परिवार आया? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, यहाँ गांधी परिवार आया? तार गिरने से रुपाई कर रही 5 गरीब महिलाएं झुलसकर मर गई, उनके घर कोई गया? 5 बच्चियां डूब कर मर गई, यहाँ गांधी परिवार आया? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, आप इतने सालों से वोट दे रहे हो, आपको सांसद निधि से कुछ मिला है? उन्होंने पूरा खर्चा किया है, अगर आपको मिला नहीं है तो कहाँ गया, या उनकी वोट बैंक में गया? 70% से ज्यादा सांसद राशि अल्पसंख्यकों में खर्च करने का काम सोनिया गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। अभी कह रहे हैं कि हम हर महिला को 1,00,000 रुपया देंगे। मैं भी अभी तेलंगाना से आया हूं, तेलंगाना चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 15,000 रुपया देंगे। प्रदेश की महिलाओं ने उन्हें सरकार चुनकर दे दी 15,000, क्या 1,500 रुपए भी नहीं दिए।